प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अध्ययन और अध्यापन की इस नई तकनीक में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अनीता गौतम, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जेपीटर कॉलेज कैंपियरगंज गोरखपुर से आपके समक्ष कक्षा 11 के जीव विज्ञान विषय के अध्याय 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन का भाग 1 लेकर के उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि कोशिका में वृद्धि और विभाजन किस प्रकार से होता है। बच्चों, इस भाग को भलीभांति समझने के लिए हमें अध्ययन बिंदुओं को देखना होगा, तो चलिए देख लेते हैं अध्ययन बिंदु। अध्ययन बिंदु में भाग एक में कोशिका चक्र, सबसे पहले कोशिका चक्र में कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को हम क्रमिक रूप में जानेंगे। फिर कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, प्रकार और महत्व को समझेंगे। इसके बाद समसूत्री विभाजन को देखेंगे हम। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया और महत्व पर हम विस्तृत चर्चा इस भाग में करेंगे। बच्चों, भाग दो में अर्धसूत्री विभाजन है, जो जनन कोशिकाओं में होता है, और इसकी प्रक्रिया का अध्ययन हम आगे विस्तृत इस पर चर्चा कर लेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस भाग का पहला अध्ययन बिंदु, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र या सेल साइकिल। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बच्चों, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजित होती है और विभाजित होकर के दो नए जीवों का निर्माण करती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में बात अलग होती है। यहाँ कोशिका निरंतर विभाजित होती है और विभाजित होकर के असंख्य कोशिकाओं वाले शरीर का निर्माण करती है। बच्चों, कोशिका में वृद्धि और विभाजन की यह प्रक्रिया उसका मूल स्वभाव होता है, और इसी प्रक्रिया को हम कोशिका चक्र कहते हैं। बच्चों, चलिए हम कोशिका चक्र का आरंभिक ज्ञान ले लेते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव्य की वृद्धि से लेकर कोशिकाओं में विभाजन द्वारा नई कोशिकाएं बनने की सारी प्रक्रिया को हम कोशिका चक्र कहते हैं। बच्चों, यहाँ चित्र में पूर्ववर्ती कोशिका दर्शाई गई है। पूर्ववर्ती कोशिका में वृद्धि की प्रक्रिया हुई, कोशिका का आकार बढ़ा, इसके अंदर के संघटकों का निर्माण हुआ, फिर इसमें विभाजन की प्रक्रिया हुई और विभाजन के उपरांत दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ। अब पूर्ववर्ती कोशिका में वृद्धि से लेकर विभाजन तक की सारी प्रक्रिया को हम कोशिका चक्र कहते हैं। बच्चों, कोशिका चक्र को हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि यह घटनाओं का वह अनुक्रम है जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे कोशिका चक्र कहते हैं। बच्चों, अलग अलग जीवों में कोशिका चक्र की अवधि अलग अलग होती है। सामान्यतः मनुष्य में कोशिका चक्र की अवधि 24 घंटे देखी गई है। बच्चों, हार्वर्ड एवं पेल्स ने कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की खोज की थी। नाम मैं फिर से कहूँगी, हार्वर्ड तथा पेल्स ने कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की खोज की थी, और इनके अनुसार कोशिका चक्र की दो मूल अवस्थाएं होती हैं। बच्चों, कोशिका चक्र की अवस्थाएं, पहली अवस्था अंतरावस्था या इंटरफेज, और दूसरी विभाजन अवस्था या डिवीजन फेज। बच्चों, अंतरावस्था को पुनः तीन प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहली प्रावस्था जीवन प्रावस्था या पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था एस प्रावस्था या संश्लेषण प्रावस्था, तीसरी G2 प्रावस्था या पूर्व सूत्री विभाजन अंतराल प्रावस्था। इसी तरह विभाजन अवस्था को प्रक्रियाओं के आधार पर दो घटनाओं में विभाजित किया गया है, पहला केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस। बच्चों, चलिए हम कोशिका चक्र के चित्र को समझ लेते हैं। बच्चों, यहाँ कोशिका चक्र दिखाया गया है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की स्थिति अंतरावस्था की या इंटरफेज की दर्शाई गई है, और
इसमें जो ये पीला भाग है यहाँ सूत्री विभाजन प्रावस्था या एम फेज को दर्शा रहा है। बच्चों अंतरावस्था को जीवन अवस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था में विभाजित करके दर्शाया गया है और एम फेज या सूत्री विभाजन प्रावस्था को केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन में विभाजित करके दर्शाया गया है। बच्चों मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो अंतरावस्था की अवस्था है वह कोशिका चक्र में, इसमें कोशिका चक्र का 95% समय लगता है जबकि सूत्री विभाजन की प्रक्रिया में केवल 5-10% समय कोशिका चक्र का लगता है। बच्चों चलिए अंतरावस्था की मुख्य बातों को जान लेते हैं। अंतरावस्था यह कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था है। अंतरावस्था दो कोशिका विभाजन के बीच की अंतराल अवधि है जिसमें कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। बच्चों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्राणियों की कुछ कोशिकाओं में जैसे कि हृदय की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है और कोशिका जीवन अवस्था के बाद G0 अवस्था में चली जाती है जिसे शांत प्रावस्था कहते हैं। बच्चों इन कोशिकाओं में जिनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है उन कोशिकाओं में बाकी सभी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं परंतु केवल कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है और वो कोशिकाएं जो हैं वो विषमावस्था में चली जाती हैं जिसे हम शांत प्रावस्था कहते हैं। चलिए बच्चों आगे हम अंतरावस्था की विभिन्न घटनाओं को चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ इस चित्र में कोशिका चक्र का यह चित्र है जिसमें अंतरावस्था यहाँ से यहाँ तक दर्शाई गई है और ये सूत्री विभाजन की अवस्था है। अंतरावस्था में जीवन प्रावस्था, संश्लेषण प्रावस्था और G2 प्रावस्था। अब जब अंतरावस्था होती है तब कोशिका में परिवर्तन के स्वभाव में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, उसको जाने हम कोशिका के आकार में। जीवन प्रावस्था में कोशिका के आकार में वृद्धि होती है और प्रोटीन तथा आरएनए के संश्लेषण की क्रिया होती है। जब कोशिका जीवन प्रावस्था से संश्लेषण प्रावस्था में प्रवेश करती है, संश्लेषण प्रावस्था में जाती है, तब यहाँ कोशिका में मूल परिवर्तन होता है। क्या होता है ये जाने, इस संश्लेषण प्रावस्था में डीएनए की कॉपी होती है और डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। बच्चों यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि डीएनए की मात्रा दुगनी होती है परंतु गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। बच्चों अब परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में, अंतराल अवस्था की किस प्रावस्था में जो है वो डीएनए की मात्रा दुगनी होती है, तो आप इसका जवाब देंगे कि अंतरावस्था की संश्लेषण प्रावस्था में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। बच्चों अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जंतु की कोशिका में जब डीएनए की मात्रा दुगनी होती है ठीक उसी समय जो तारक काय होता है वह भी विभाजित होता है और विभाजित होकर के दो तारक काय बना लेता है। बच्चों संश्लेषण प्रावस्था के बाद G2 प्रावस्था आती है और G2 प्रावस्था वह प्रावस्था है जिसके तुरंत बाद कोशिका जो है विभाजित होती है या सूत्री विभाजन की प्रक्रिया उसमें होती है। G2 प्रावस्था में विभाजन के लिए कोशिका में विभाजन की तैयारी होती है जिसके लिए प्रोटीन, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एवं आरएनए का संश्लेषण होता है। बच्चों अब G2 प्रावस्था के बाद सूत्री विभाजन की प्रावस्था आती है जिसमें केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और तत्पश्चात कोशिका विभाजित हो जाती है और दो संतति कोशिकाएं बनाती है। अब इस नव निर्मित संतति कोशिकाओं में भी यही प्रक्रिया चलती है, अंतरावस्था आती है और फिर सूत्री विभाजन की प्रावस्था आती है या विभाजन की अवस्था आती है और यह कोशिका चक्र निरंतर चलता रहता है, इसी को हम कोशिका चक्र कहते हैं। चलिए बच्चों आगे हम विभाजन अवस्था को की मुख्य बातों को जान लेते हैं। विभाजन अवस्था या सूत्री विभाजन प्रावस्था इसे डिवीजन फेज भी कहते हैं। बच्चों यह G2 प्रावस्था के बाद की प्रावस्था है जिसमें कोशिका चक्र के कुल समय का 5-10% समय लगता है। इस अवस्था में समसूत्री विभाजन की विभिन्न क्रियाएं पूरी होती हैं। बच्चों सूत्री विभाजन प्रावस्था में दो प्रमुख घटनाएं होती हैं, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन।
बच्चों चलिए अब हम अपने अगले अध्ययन बिंदु को देख लेते हैं, वह है कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। बच्चों जिस जैविक प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर के दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। बच्चों कोशिका विभाजन सबसे पहले विरचाऊ ने देखा था, मैं नाम फिर से लूंगी, कोशिका विभाजन सबसे पहले विरचाऊ ने देखा था। कोशिका विभाजन वस्तुतः कोशिका चक्र का एक चरण मात्र है जिसमें विभाजित होने वाली कोशिका मातृ कोशिका और विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं पुत्री कोशिकाएं या संतति कोशिकाएं कहलाती हैं। बच्चों चलिए अब हम कोशिका विभाजन के प्रकार को समझ लेते हैं। कोशिका विभाजन के प्रकार, बच्चों सामान्यतः जीवों में तीन प्रकार का कोशिका विभाजन देखा गया है, असूत्री कोशिका विभाजन या एमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। बच्चों असूत्री कोशिका विभाजन जीवाणु, नील हरित शैवाल, खमीर, अमीबा और प्रोटोजोआ जैसी अविकसित कोशिकाओं में होता है। बच्चों नाम से पता चल रहा है कि यह असूत्री कोशिका विभाजन है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों का कोई काम नहीं होता है और जो कोशिका है वह उसमें विभाजन सीधे होता है और जो कोशिका है इसमें केंद्रक में पहले दीर्घीकरण होता है, वह डंबल के आकार में आ जाता है और ठीक इसी तरह कोशिका द्रव्य भी डंबल के आकार में आ जाता है और कोशिका विभाजित हो जाती है, दो कोशिकाएं बन जाती हैं। बच्चों अब समसूत्री विभाजन को जाने हम या माइटोसिस को। समसूत्री विभाजन सुविकसित कोशिकाओं वाले सभी जीवों के दैहिक कोशिकाओं में होने वाला विभाजन है जिसे हम सम विभाजन भी कहते हैं। बच्चों समझे, यहाँ मातृ कोशिका है, यह मातृ कोशिका है जो द्विगुणित है, 2n से दर्शाया गया है इसे। द्विगुणित मातृ कोशिका समसूत्री विभाजन के उपरांत विभाजित होकर के दो पुत्री कोशिकाएं बनाती है जो द्विगुणित होती हैं, यहाँ 2n से दर्शाया गया है। अब बच्चों मैं यहाँ उदाहरण मनुष्य का लूंगी। मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है तब जो संतति कोशिकाएं बनती हैं उनमें भी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन सम विभाजन भी है। बच्चों आगे हम देखें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। बच्चों अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस जनन कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है, यह जनन कोशिकाओं में या युग्मकों के बनने के समय होता है। बच्चों इसमें जो जनन कोशिका होती है द्विगुणित जनन कोशिका वह विभाजित होती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा और विभाजित होकर के चार अगुणित, यहाँ NN से दिखाया गया है, अगुणित पुत्री कोशिकाएं बनाती है। ये N जो है वह एक सेट गुणसूत्र को दर्शाता है या वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को दर्शाता है। बच्चों यहाँ मैं पुनः उदाहरण मनुष्य का लूंगी कि मनुष्य के द्विगुणित जनन कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है तब चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और उनमें 23-23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने कोशिका विभाजन के प्रकार को समझा। चलिए बच्चों आगे हम कोशिका विभाजन के महत्व को जान लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। बच्चों कोशिका विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है, जनन द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जितने भी जीव हमारे आसपास दिखाई देते हैं उनकी संख्या में वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा ही होती है। बच्चों नई पीढ़ियों की उत्पत्ति द्वारा जाति का अस्तित्व बना रहता है जिसे हम जीवन की निरंतरता या कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ कहते हैं। बच्चों आगे संतति कोशिकाओं में जीन व गुणसूत्रों का वितरण पीढ़ी दर पीढ़ी नियमित रूप से होता रहता है। बच्चों कोशिका विभाजन के द्वारा ही माता पिता में जितने गुणसूत्र होते हैं उनकी संततियों में या बच्चों में भी उतने ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन द्वारा गुणसूत्रों का वितरण पीढ़ी दर पीढ़ी नियमित रूप से होता रहता है।
चलिए बच्चों, अब हम अपने अगले अध्ययन बिंदु को देख लेते हैं, जो है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को और महत्व को हम विस्तृत रूप से यहाँ जानेंगे। बच्चों, समसूत्री विभाजन प्राणियों में द्विगुणित कोशिकाओं में ही होता है, जबकि पौधों में अगुणित या हैप्लॉयड और द्विगुणित दोनों में होता है। बच्चों, वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम खोजा। नाम मैं फिर से कहूंगी, वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम खोजा। बच्चों, समसूत्री विभाजन की दो अवस्थाएं होती हैं, केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस। इस अवस्था में एक केंद्रक से दो केंद्रकों का निर्माण होता है। बच्चों, दूसरा जो अवस्था है वह है कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस, जिसमें कोशिका विभाजन की इस अवस्था में कोशिका द्रव्य के विभाजन से एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। बच्चों, चलिए हम समसूत्री विभाजन को रेखा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, इसकी घटनाओं को। समसूत्री विभाजन में दो घटनाएं, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन में अंतरावस्था आती है और विभाजन की अवस्था आती है। बच्चों, अंतरावस्था को अभी हमने कोशिका चक्र में विस्तृत रूप में जाना है, अब हम विभाजन अवस्था जानेंगे। विभाजन अवस्था में चार अवस्थाएं आती हैं, पूर्वावस्था या प्रोफेज, मध्यावस्था या मेटाफेज, पश्चावस्था या एनाफेज और अंत्यावस्था या टीलोफेज। चलिए हम सबसे पहले पूर्वावस्था देखते हैं। पूर्वावस्था या प्रोफेज। बच्चों, पूर्वावस्था शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब सामान्य स्थिति में कोशिका होती है, यानी जब कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा होता है, तब जो कोशिका के अंदर जो केंद्रीय पदार्थ या गुणसूत्री पदार्थ हैं, वह केंद्रक में बाल के उलझे हुए गुच्छे के समान दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं। लेकिन जब कोशिका विभाजन शुरू होता है, तब जो गुणसूत्री पदार्थ हैं, वह संघनित होकर के छोटे मोटे और स्पष्ट गुणसूत्रों का रूप ले लेते हैं। चलिए बच्चों, इस चित्र के माध्यम से पूर्वावस्था पहले देख लें। यह एक जंतु की कोशिका का चित्र है, जिसमें यह दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं जो तारक काय को दर्शा रहे हैं। जैसा हमने पहले बताया कि अंतराल अवस्था में, संश्लेषण प्रावस्था में डीएनए की मात्रा जब दुगनी होती है, तभी तारक काय भी विभाजित होता है और दो तारक काय बन जाते हैं। अब जो कि दो तारक काय पूर्वावस्था में हमें दिखाई देते हैं। बच्चों, तारक काय से ये पीली रेखा निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये इसे हम तर्क तंतु कहते हैं। ये तर्क तंतु माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, जो कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। बच्चों, अब घटनाओं को देख लें। गुणसूत्री पदार्थ में संघनन होता है और गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। तारक काय विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं, ये विपरीत ध्रुवों पर जाना शुरू कर देते हैं। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका अदृश्य हो जाती है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ केंद्रक झिल्ली दिखाया गया है, जो वृत्त ठीक पूरा बना नहीं है, वह विलुप्त होती केंद्रक झिल्ली को दर्शाया जा रहा है। केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है और केंद्रिका भी अदृश्य हो जाती है। बच्चों, तर्क तंतु स्पाइनल फाइबर्स तंतु बनने लगते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में, ये जो गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, इनमें दो अर्ध गुणसूत्र बन जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमेटिड कहते हैं। बच्चों, ये अर्ध गुणसूत्र इन गुणसूत्र बिंदु पर, जिन सेंट्रोमियर दिखाया गया पीले रंग से, ये गुणसूत्र बिंदु पर जुड़ जाते हैं। बच्चों, चलिए अब हम पूर्वावस्था के बाद हम अगली कोशिका विभाजन की अवस्था को देख लेते हैं, जो है मध्यावस्था या मेटाफेज। बच्चों, मध्यावस्था या मेटाफेज वह अवस्था है जो कोशिका विभाजन में सबसे कम समय के लिए होती है। बच्चों, इस अवस्था को इस चित्र के माध्यम से देखें। ये चित्र है, इसमें ये रेखा दिखाई दे रही है, नीली रेखा। यह सीधी रेखा मध्य रेखा को दिखा रही है और यह मध्य रेखा मध्यावस्था पट्टिका को दर्शाता है। मध्यावस्था पट्टिका पर जो गुणसूत्र होते हैं, वो आकर के लग जाते हैं या पंक्तिबद्ध विन्यसित हो जाते हैं। बच्चों, गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु के दोनों तरफ बिंब के आकार का
काइनेटिक कोर पाया जाता है, इस काइनेटो कोर को यहाँ दर्शाया गया है। काइनेटो कोर से जो तर्क तंतु हैं वो आकर के जुड़ जाते हैं। अब जो गुणसूत्र बिंदु है वो मध्यवस्था पट्टिका पर, और जो गुणसूत्र की जो भुजाएं हैं, गुणसूत्रों की जो भुजाएं हैं वो ध्रुवों की ओर हो जाती हैं। बच्चों, मध्यावस्था की अवस्था इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस अवस्था में हम गुणसूत्रों की गिनती कर सकते हैं। बच्चों, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में हम गुणसूत्रों की गिनती कर सकते हैं, तो आप उत्तर देंगे कि मध्यावस्था या मेटाफेज की अवस्था में हम गुणसूत्रों की गिनती कर सकते हैं। चलिए हम अब अगले अवस्था को देख लेते हैं जो है पश्चावस्था या एनाफेज। बच्चों, अब पश्चावस्था की स्थिति में जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं, गुणसूत्र बिंदु के विभाजन से, यहाँ गुणसूत्र बिंदु में विभाजन हो जाता है, विभाजन के से प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड अलग अलग होकर के दो संतति गुणसूत्र बनाते हैं। ये संतति गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। बच्चों, ये गुणसूत्र जो संतति गुणसूत्र हैं वो अलग अलग ध्रुवों पर जाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो गुणसूत्र बिंदु है, ये गुणसूत्र बिंदु, इस गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के अनुरूप जो गुणसूत्र हैं वह अंग्रेजी की वर्णमाला एल वी या जे की आकृति में दिखाई देते हैं। और इस तरह से पश्चावस्था की स्थिति में जो अर्धगुणसूत्र या संतति गुणसूत्र हैं वे ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देते हैं। बच्चों, अंत्यावस्था नाम से पता चल रहा है, यह कोशिका विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था है, अंत्यावस्था या टीलोफेज। बच्चों, इस अवस्था में जो संतति गुणसूत्र हैं वो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। अब केंद्रक झिल्ली, ये जो गुणसूत्र समूह हैं, ये गुणसूत्र अलग अलग ध्रुवों पर चले गए, अब इनको हम गुणसूत्र संतति गुणसूत्र समूह कहने लगते हैं जो अलग अलग ध्रुवों पर हैं। इनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का पुनर्निर्माण होता है, साथ ही साथ केंद्र का, गोल्जी काय, अंतःप्रद्वी जालिका का भी पुनर्निर्माण होता है। संतति गुणसूत्र, ये जो संतति गुणसूत्र समूह हैं अब धीरे धीरे असंघनित होकर क्रोमेटिन जाल का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से कोशिका के अंदर केंद्रक का विभाजन हो जाता है और दो केंद्रक बन जाते हैं। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम जानेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस। बच्चों, कोशिका द्रव्य विभाजन के फलस्वरूप कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। बच्चों, जंतु की कोशिका में जीव द्रव्य कला में खांच बन जाने के कारण कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। यहाँ खांच दिखाया गया है, यह खांच, ये दो संतति केंद्रक हैं, इनके बीच में यहाँ खांच बनता है और ये खांच धीरे धीरे मध्य में आकर के एक दूसरे से जुड़ जाता है जिससे कि ये दोनों संतति कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। इस तरह जंतु की कोशिका में संतति कोशिकाएं बनती हैं। बच्चों, अब पादप कोशिका में बात अलग होती है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका पट्टी अथवा फ्रेग्मोप्लास्ट के निर्माण के कारण होता है और ये मध्य में दोनों संतति केंद्रकों के मध्य में कोशिका पट्टी बनती है और दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा दो संतति कोशिकाएं बन गई। अब हम जानेंगे सूत्री विभाजन का महत्व। बच्चों, समसूत्री विभाजन के महत्व को हम जान लें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यह एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, युगलीना आदि में अलैंगिक जनन सूत्री विभाजन के द्वारा होता है। बच्चों, जीवों में विकास एवं वृद्धि होता है वह समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। यहाँ हमने उदाहरण लिया है युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से शिशु, शिशु से वयस्क। बच्चों, मनुष्य में हम उदाहरण ले रहे हैं कि जो युग्मनज है वह एकल कोशिका है, उस एकल कोशिका में कोशिका का विभाजन होता है, युग्मन है, और भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण में
असंख्य बार कोशिकाओं का विभाजन होता है और शिशु का निर्माण होता है। शिशु में कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती हैं और विभाजित होकर के वयस्क का निर्माण करती हैं। इस तरह से हमने देखा कि युग्मनज जो एकल कोशिका था, कोशिका विभाजन द्वारा, समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा वयस्क के रूप में हमको दिखाई देता है। बच्चों, अगला जो महत्व है वह है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का विस्थापन तथा मरम्मत होती है। बच्चों, आपने देखा होगा चोट लग जाती है, चोट लग जाने पर वहाँ क्या जो भाग है, वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और वो भाग पस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों, उस जगह को समसूत्री विभाजन के द्वारा नवनिर्मित कोशिकाएं उस जगह को भर लेती हैं और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का विस्थापन और मरम्मत समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। बच्चों, अगला जो महत्व है वो पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन ऐसी घटना जिसमें कुछ जीवों में जो अंग होते हैं वो कट जाते हैं, किसी वजह से नष्ट हो जाते हैं, तो वह उनका पुनर्निर्माण हो जाता है। अब पुनरुद्भवन का मैं उदाहरण लूंगी छिपकली। छिपकली, बच्चों आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ कट जाती है, फिर धीरे धीरे अपने आप जम भी जाती है, आज बन जाती है और हम कहते हैं कि छिपकली की पूंछ पुनः बन गई। यह जो प्रक्रिया है यह पुनरुद्भवन की है जो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होती है। इसी तरह हाइड्रा में भी पुनरुद्भवन की प्रक्रिया होती है। अगला जो महत्व है वह कोशिकीय उपापचय। बच्चों, पहले हम कोशिकीय उपापचय को जानें। बच्चों, जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं वो सभी जैविक प्रक्रियाएं एक कोशिका के अंदर भी होती हैं। जब कोशिका का विभाजन होने वाला रहता है यानी अंतराल अवस्था में कोशिका के द्रव्य में वृद्धि होती है और केंद्रक और कोशिका द्रव्य का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए कोशिका का विभाजन जरूरी है जो कि समसूत्री विभाजन द्वारा हो पाता है और कोशिका विभाजित होती है और कोशिकीय उपापचय की जो प्रक्रिया है वो सामान्य रूप से होने लगती है। तो बच्चों, इस तरह हमने जाना कि सूत्री विभाजन का क्या महत्व है। चलिए बच्चों, आगे हम देख लेते हैं अभ्यास कार्य। बच्चों, आपने यह भाग देखा, इस भाग को पढ़ने, देखने और सुनने के बाद हमने यहाँ अभ्यास कार्य के रूप में कुछ प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर इसी भाग में हैं, आपको इन्हें खोजना है और हल करना है। बच्चों, इस अध्याय के भाग दो को जिसमें कि अर्धसूत्री विभाजन बताया जाएगा उसको लेकर के मैं जल्दी ही उपस्थित हूँगी। बच्चों, उम्मीद है आपके लिए मेरा यह प्रयास सफल होगा। धन्यवाद।